हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेक्कन राइडर। और आज हम आए हैं मोहारी ऑटो, जो कि मेरे पीछे है शोरूम, और यहाँ पे हम देने वाले हैं FZ वर्जन 3 का रिव्यू, जो पीछे खड़ी है आपके यस यहाँ पे दिख रही है, जो ब्लू कलर में है। तो इसका आज हम रिव्यू देने वाले हैं, तो चलो अंदर चलते हैं और रिव्यू देते हैं। तो ये रहा शोरूम, चलो जल्दी से बाइक वहाँ पे खड़ी है तो रिव्यू कर लेते हैं। चलो चलो अब हम बात करते हैं इस बाइक के बारे में। और बाइक का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो, क्रोम फिनिश दिया है यहाँ पे। और यस आगे की बात करते हैं। आगे का लाइट सेम FZ 25 जैसा ही दिया है, सिर्फ ये हेडलाइट उन्होंने ऐड किया है, जो कि FZ 25 में कम था, और FZ 25 का लाइट भी कम पड़ता है, तो ये लाइट थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और आगे देखते हैं आगे क्या है। यस दिस बाइक कम्स विथ ABS, सिंगल चैनल ABS, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है यामाहा ने कि ABS दिया है 150cc सेगमेंट में। और इधर ये देख रहे हो बेली पैन, तो ये भी अच्छी बात है, जब आप ऑफ रोड वगैरह करते हो तो पत्थर निकलते फ्रंट टायर में से पीछे जाते हैं, तो वो केसिंग को, इंजन केसिंग को नहीं लगने चाहिए, इसीलिए ये दिया है, ये अच्छी बात है बहुत। और फिर डिज़ाइन के बारे में बात करें तो ये क्रोम में दिया है, ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है बाइक, उसमें भी ये क्रोम में दिया है, तो ये आपको थोड़ा अच्छा लुक देता है बाइक को। देन आगे हम देखने वाले हैं, चलो आगे देखते हैं। अभी कंसोल की तरफ आते हैं, तो ये ऐसा कुछ कंसोल है, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि चाबी की पोजीशन चेंज किया है इन्होंने, तो टैंक पे दिया है, तो यस नॉर्मल बाइक जैसा ही इसका कंसोल है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। पर ये पुराने FZ में थोड़ा चेंजेस करके, यहाँ पे न्यूट्रल लाइट है, यहाँ पे इंजन का वार्निंग लाइट है, देन यहाँ पे इंडिकेटर का लाइट, देन ये आता है ABS का सिग्नल, देन यहाँ पे है अपर डिपर अपन जो देते हैं उसका लाइट, और यहाँ पे RPM का कुछ ऐसा दिया है इन्होंने, जो कि बहुत अच्छा दिखने को मिलेगा। तो अब इसको ऑफ़ करते हैं और नीचे आते हैं। तो इसका इंजन है 149cc, एयर कूल्ड इंजन है, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दिया है यामाहा ने, जो कि FZ वर्जन 2 को भी था। और अलॉय व्हील्स भी बहुत अच्छा है इसका। देन इसके बाद आता है पिछले, ओह मेन पॉइंट तो रह गया, इसका सीट आप देख सकते हो, इसका सिंगल सीट है FZS, जो कि सिंगल सीट के साथ आता है, जो कि राइड करने में बहुत कंफर्ट देता है पिलियन को भी और राइडर को भी। देन इसके बाद आते हैं हम पीछे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है, पीछे का टेल लैम्प थोड़ा सा चेंज किया है, और ये जो टायर अपन बोलते हैं गार्ड, तो ये भी बहुत अच्छा है। देन इसके बाद आते हैं हम मफलर की तरफ, तो ये आता है सेम FZ 25 जैसा ही, और बाकी कुछ चेंजेस नहीं है बाइक में। बाइक आती है 5 गियर के साथ में, और ये हम देख रहे हैं ब्लू कलर इसका, और बाइक आती है और 3 कलर के साथ, जो कि है ब्लैक, ब्लू, ये जो आप देख रहे हो, और एक ग्रे कलर आता है, तो तीनों कलर बहुत अच्छे हैं, और बाइक दिखने में भी बहुत अच्छी है। FZ 25 को भी कंपेयर कर सकते हो आप, या फिर पुराने FZ को भी, बहुत ही अच्छा बनाया बाइक को। सो गाइस ऐसी थी FZ वर्जन 3, और अभी मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। और यस और कुछ नहीं, बस आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, राइड सेफ।